द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भाजपा कहती है हम दो और हमारे दो। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है उसे लागू होना चाहिए और उसी के हिसाब से सबको चलना चाहिए, लेकिन भाजपा के इस जनसंख्या नियंत्रण कानून वाले प्लान पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो पानी फेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर हिंदुओं को 4 से 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर ही ऐसी बातों को लेकर विवादों में रहे हैं और एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि हिंदुओं को जो है 4 से 5 बच्चे करने चाहिए। पूरा मामला आपको बताते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है धीरेन्द्र शास्त्री के बिगड़े बोल, हिंदुओं को दे डाली ये सलाह। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 3 से 4, 4 से 5 बच्चे पैदा करिए, लेकिन भाजपा जनसंख्या कानून नियंत्रण बनाने की जो है तैयारी कर रही है, पूरा का पूरा मसौदा तैयार कर चुकी है। भाजपा के कई नेता जो हैं इस पर संसद में बहस कर चुके हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर हम दो हमारे दो वाली नीति को किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं और उनकी इस योजना पर पानी फेर रहे हैं। खबर में आगे लिखा है पिछले कई दिनों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में हैं। उन्होंने एक विवादित बयान दिया है जो सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने हिंदुओं को सलाह दी है कि वो 3-4 बच्चे पैदा करें और 2 बच्चों को राम के नाम पर छोड़ दें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में रामचरितमानस मैदान पर राम नवमी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ये बयान दिया है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि 3 से 4 बच्चे पैदा करिए, 2 राम के नाम पर छोड़ दीजिए। तो आप देखिए आप किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उसके बाद फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। खबर में आगे लिखा है प्रोग्राम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 3 से 4 बाल बच्चे हो, 2 राम के लिए समझदार को इशारा काफी है। उन्होंने कहा वैसे तो बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन 1 बच्चा राम जी के लिए हो, उसे बचपन से ही कह दो बेटा तू राष्ट्र के काम आए। धीरेन्द्र ने कहा हम भी अपने पिताजी के 2 ही हैं, तो हमें कह दिया कि तुम जाओ धाम। जहां भारत सरकार लोगों से कम बच्चे पैदा करने के बारे में बात कर रही है, वहीं कुछ साधु संत हैं जो भारत हिंदुओं से अपील करते हैं कि वो भारतीय हिंदुओं से अपील करते हैं कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। कुछ साधु और हिंदूवादी नेताओं का इल्जाम है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो जहां एक तरफ सरकार जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है, वहीं कुछ साधु संत ऐसे हैं जो इस तरह की सलाह देते हैं और उसके बाद सुर्खियां बटोरते हैं। कई ऐसे बाबा भी हैं जो किस तरीके से ये कहते हैं कि 4 से 5 बच्चे पैदा करो, क्योंकि उनका मानना है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में जो है वो मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ऐसे कुछ साधु संतों का मानना है जिसको लेकर वो इस तरह की सलाह और इस तरह की विवादित बयान जो है अक्सर देते आए हैं। खबर में आगे लिखा है इससे पहले मध्य प्रदेश में संत बाल योगी ज्ञाननाथ इसी तरह का विवादित बयान देते सुने गए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें और घरों में अच्छे हथियार रखें। उन्होंने आगे कहा था कि जल्द ही आंधी आपके घरों तक आने वाली है, उस दिन आपके बच्चे और शस्त्र काम आएंगे। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे चुके हैं। विवादित बयान देते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोके। उन्होंने कहा था कि जब दूसरे धर्म वाले इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हिंदुओं को किसने रोक रखा है। तो एक तरफ तो मोदी सरकार 2024 में जनसंख्या नियंत्रण कानून को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है और इसको लेकर किस तरीके से जो है राजनीति करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ कभी उनके सहयोगी आरएसएस तो कभी इस तरह के बाबा जो हैं बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि हिंदुओं को जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके पीछे एक ही मानसिकता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लोगों का ये मानना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो काफी बच्चे पैदा करते हैं और ऐसे में मुसलमानों की संख्या उनसे ज्यादा हो जाएगी आने वाले समय में, इसलिए उनसे आगे बढ़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए उन्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। और समय समय पर इसी तरह के
के विवादित बयान जो हैं वो दिए जाते हैं। आपको कुछ और विवादित बयान जो है बता देते हैं। एक कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर थे, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था और कई संत इस तरह का बयान दे चुके हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं कि अपने घर पर हथियार रखो, बिल्कुल तैयार रहो और किस तरीके से जो है आप जो है काम आओगे। इसी के साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। उन्होंने फरवरी में छिंदवाड़ा में ऐसा ही बयान दिया था। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने छिंदवाड़ा में ऐसा ही बयान दिया था। दशहरा मैदान में आयोजित शिव महापुराण कथा पंडाल में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा था कि देश में जब तक ये कानून नहीं बन जाए तब तक पांच पांच बच्चे हर हिंदू अपनी गोद में खिलाए। देवकीनंदन ठाकुर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कथा पंडाल से कहा कि कुछ लोगों को खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया है और हमें सिर्फ दो बच्चों तक सीमित कर दिया गया है। तो इस तरह के बयान कई साधु संत जो हैं इस तरह के बयानबाजी करते हैं और कई साधु संत ऐसे भी हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र को करने की मांग करते हैं और इसी के साथ इस तरह के बयान भी देते हैं कि हिंदुओं को 5 से 6, 3 से 4 बच्चे जो हैं वो पैदा करने चाहिए। पूरे मामले पर बीजेपी के नेता भी क्या कुछ कहते हैं आपको बताते हैं। पिछले दिनों बीजेपी नेताओं के कई वीडियोस वायरल हुए। कई बीजेपी के नेता इस बात को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर और बच्चे पैदा करने की जो सीमित संख्या है उसको लेकर लगातार ट्रोल होते हैं। आपको बता दें कि रवि किशन एक बार आज तक के एक प्रोग्राम में गए और उस दौरान एंकर ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों का जो ठीकरा है वो कांग्रेस पर फोड़ दिया। उन्होंने इस तरह का बयान दिया, उनके बयान की काफी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अगर उस वक्त कांग्रेस सरकार जो है कोई कानून बना देती तो हम संभल जाते, लेकिन अब जो है मुझे रिग्रेट होता है। इसी तरीके से मनोज तिवारी भी अपने बच्चों को लेकर जो है लगातार ट्रोल हुए। 3 बच्चों के बाप है मनोज तिवारी और उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर ट्रोल किया कि आपकी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करती है लेकिन आप खुद ही नहीं रुक रहे हैं तो आप दूसरों को कैसे रोकेंगे। कुछ खबरें हम आपको दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, गिरिराज सिंह ने भी एक बार कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से इसे लागू करना जो है वो बहुत जरूरी है। उनका पिछला बयान देखिए, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा कि भारत में हर 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल बहुत जरूरी है। गिरिराज ने यह भी कहा कि बिल को धर्म या संप्रदाय के बिना सभी पर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ नेता जो हैं वो खुद इस बात को लेकर ट्रोल होते रहते हैं कि बच्चों की जो संख्या सीमित करने को लेकर वो लोग खुद ही ट्रोल होते रहते हैं। इसी के साथ रवि किशन ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको हम बता देते हैं। एक बार रवि किशन ने आज तक के एक प्रोग्राम में कहा था कि 4 बच्चे देखकर दुख होता है। उन्होंने कहा एक निजी चैनल से उनके 4 बच्चों को लेकर सवाल पूछा गया, इस पर उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती 15 साल में लोग मुझे पैसा नहीं देते थे, मैं उस समय जानता था कि पैसा बाद में आएगा, मैं इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहा था, शूटिंग कर रहा था, उसी दौरान 3रा बेबी 4था बेबी हो गया, आज जब मैच्योरिटी आई है तो उन्हें देखता हूं तो दुख होता है। मनोज तिवारी भी इसी तरह की बात उन्होंने कही थी। मनोज तिवारी ने भी ज्यादा बच्चे पैदा करना गलती बताया तो रवि किशन ने उन्हें टोक दिया था। यहां पर देखिए लिखा है, रवि किशन के इस इंटरव्यू के बाद उनके साथ भाजपा सांसद मनोज तिवारी थे, वहीं 3रे बच्चे के पिता बनने जा रहे थे। इसको लेकर कुछ दिन पहले उन्हें ट्रोल भी किया गया था जब वो 3रे बच्चे के पिता बनने जा रहे थे। उनसे भी इस इंटरव्यू में 3रे बच्चे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर पीछे कोई गलती हो तो उसका मतलब ये नहीं कि हम आगे भी गलती करेंगे। मनोज तिवारी ये बात कह ही रहे थे कि रवि किशन ने उन्हें टोक दिया। रवि किशन ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करना गलती नहीं है, हम उसे गलती नहीं मानेंगे। अगर कांग्रेस ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया होता तो हम बच्चे पैदा नहीं करते। तो ले दे के बीजेपी ने जो है, बीजेपी के नेताओं ने, सांसदों ने जो है आज तक के मंच से कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से हिंदुओं को बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।